देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के गांव कंबोज नगर एसएसबी कैंप में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीमा सुरक्षा बल के द्वारा बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को डस्टबिन, फूल झाड़ू आदि सफाई का सामान वितरण किया गया, जिसमें दो गांव के लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। वहीं जब अजय कुमार एसएसबी कमांडर 39 बटालियन पीलीभीत से बात की तो उन्होंने बताया कि यह प्रोग्राम हम हर साल में एक बार रखते हैं, जिससे हमारे और बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के बीच संबंध अच्छे रह सके और बॉर्डर पर रहने वाले लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक रह सके। यहाँ डस्टबिन और झाड़ू बांटकर लोगों को स्वच्छ भारत के प्रति जागरूक किया गया। देखिए रिपोर्ट। ये प्रोग्राम जो है स्वीक एक्शन के तहत हर साल जो है एसएसबी जो है बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करती है, ताकि बॉर्डर पर रहने वाले जो पब्लिक है उनसे हमारा एक कॉर्डियल रिलेशन बना रहे, ताकि बॉर्डर पे जो किसी भी तरह का कार्रवाई हो चाहे अपराध हो उसको रोकने में हमें बॉर्डर पे रहने वाले लोगों का सहयोग मिल सके और एक हमारा बंधुत्व का रिलेशन बॉर्डर पर रहने वाले लोगों से कायम हो सके। इसके तहत ही हम इस तरह के प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके पहले भी प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था बीओपी नगोरिया कट में, आज हम यहाँ कर रहे हैं जी कंबोज नगर में। आगे भी हमारी जितनी पोस्टें हैं जी वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।